नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। एएसपी रोहित कासवानी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि 25 जुलाई को अंजनी बिहार कॉलोनी में कुछ लोग अपने आप को पत्रकार बताकर एक महिला के घर में घुसकर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें अनैतिक कामों में लिप्त बताकर उनसे रुपयों की मांग की गई, साथ ही मारपीट भी की गई, जहां महिला की शिकायत पर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे। जांच के उपरांत मदन महल थाना पुलिस द्वारा पंकज गुप्ता, जेपी सिंह, संतोष जैन, विवेक मिश्रा, अर्पित ठाकुर, रवि शैलेंद्र गौतम पर कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए गए, जहां पुलिस ने संतोष जैन, विवेक मिश्रा, जेपी सिंह, पंकज गुप्ता को गिरफ्तार कर रिमांड में ले लिया गया है। वहीं उनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। मदन महल क्षेत्र में दिनांक 25 जुलाई को अंजनी विहार में का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक शिकायत हुई है कि कुछ लोग घुसकर पत्रकारों के भेष में घुसकर वहां अंदर घुसे और वहां कुछ महिलाएं थीं, उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाने लगे, उनके साथ मारपीट करने लगे, गाली गलौज की गई और उनको धमकाया गया और उनसे पैसों की मांग की गई। इसकी जाँच पश्चात इन लोगों का पता लगाया गया तो ये वहाँ पर जेपी सिंह, रवि बैन, संतोष जैन और अर्पित ठाकुर, पंकज गुप्ता और अन्य लोग कुछ अंदर घुसे थे जिन्होंने यह हरकत की है। इस शिकायत का संज्ञान एसपी सर ने लिया और इन लोगों के विरुद्ध धारा 452, 327, 323, 294, 354 का ख 327 और 147-48 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभी तक चार आरोपियों पंकज गुप्ता, विवेक मिश्रा, संतोष जैन और जेपी सिंह की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पता चला है कि ये लोग ऐसे कृत्य अन्य जगह भी किए हैं और लोगों के घर में घुसकर उनकी प्राइवेसी में खलल डाला जाता है इनके द्वारा, और कई बार क्राइम ब्रांच बनकर भी इन्होंने ऐसा पैसा मांगा। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी के घर में घुसकर और इस तरह का कार्य करें। अगर कोई शिकायत भी आती है तो इनको पुलिस को शिकायत देनी चाहिए, कहीं भी किसी भी कानून में इनको अधिकार नहीं है। वो जो लड़कियां थीं वहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे ले लिए गए थे, कितने पैसे दे चुके थे वो लोग इनको, इस बारे में अभी जांच की जा रही है। आगे जो जांच में आएगा उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। विरुद्ध अन्य शिकायतें भी आई है जिनकी जाँच की जा रही है कि इन्होंने कई और जगह भी घरों में घुसकर ऐसे लूट की है और लोगों से अवैध वसूली की है, तो उनकी जांच करने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका ग्रुप बहुत बड़ा है, गैंग है, शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये अंजाम देते हैं, कोई जानकारी सामने आई? पूर्व में शायद जानकारी आई थी, जब हमने अपराध पंजीबद्ध किया तब कुछ लोगों ने बताया, कुछ मीडिया कर्मियों ने ही बताया कि इनका बड़ा गैंग है और इस तरह के कृत्य इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में भी किए हैं। और जैसे जैसे अब अपराध पंजीबद्ध हुआ है तो शायद लोगों में एक हिम्मत होगी, लोग सामने आएंगे। कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं, एक शिकायत हो रही है तो उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। हम लोगों से अपील करते हैं ऐसे जो समाज के दुश्मन हैं उनके विरुद्ध हिम्मत रखें, आगे आएँ, पूरी पुलिस आपके साथ हैं, न्यायालय प्रणाली आपके साथ हैं और हम उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।